मेरे बच्चों कि ठोस पदार्थ क्या हैं, उनके सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं। वहां पर ठोस के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात की। क्रिस्टलीय ठोसों का उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणु बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। तो अंतराणु बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आण्विक ठोस। नाम से पता चल रहा है आण्विक, अणु, यानी कि वे ठोस जो कि अणु के रूप में मौजूद रहते हैं आण्विक ठोस कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, अधुर्वीय आण्विक ठोस, अधुर्वीय आण्विक ठोस। नाम से जाहिर हो रहा है कि इनके अवयवी कण, वे कण जिनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है, वे अधुर्वीय प्रकृति के होते हैं। ये अधुर्वीय सहसंयोजक बंधों के द्वारा आपस में बंधे हुए रहते हैं। इनके मध्य दुर्बल वैन डेर वाल बल कार्य करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ये अधुर्वीय सहसंयोजक बंधों के, अधुर्वीय आण्विक ठोसों के उदाहरण है। ये नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं तथा सामान्य ताप पर ये द्रव तथा गैसीय अवस्था में होते हैं। दूसरा प्रकार है ध्रुवीय आण्विक ठोस। ध्रुवीय, नाम से पता चल रहा है ध्रुवीय, यानी कि इनके अवयवी कण ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों के द्वारा आपस में बंधे हुए रहते हैं। यानी कि जिन अवयवी कणों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है उनके मध्य प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि प्रबल प्रकृति का होता है। ये नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं तथा सामान्यता पर द्रव व गैस अवस्था में रहते हैं, जैसे HCl ठोस अवस्था में, या सल्फर डाइऑक्साइड है ठोस अवस्था में। ये ध्रुवीय आण्विक ठोस के उदाहरण है। तीसरे प्रकार का आण्विक ठोस होता है हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस। इन ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, परंतु इन ठोसों के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। ये सामान्यतया कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव तथा नर्म ठोस होते हैं, जैसे जल ठोस अवस्था में, यानी कि बर्फ, अमोनिया ठोस अवस्था में, या इथाइल एल्कोहल ठोस अवस्था में। ये हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस के उदाहरण है। ठोसों का, क्रिस्टलीय ठोसों का दूसरा प्रकार होता है आयनिक ठोस। आयनिक, नाम से पता चल रहा है कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनका निर्माण आयनों के द्वारा हुआ है, यानी कि इनके अवयवी कण आयन होते हैं। ये आयन धनायन या ऋणायन, जब ये धनायन और ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं, तब आयनिक ठोस का निर्माण होता है। ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल प्रबल प्रकृति का होता है। इसके कारण इनमें एक जालक का निर्माण हो जाता है, जिसे तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा का व्यय होता है, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान अत्यधिक उच्च होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आयन करने के लिए, आयन में गति करने के लिए ये स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन गलित अवस्था में या जब इनको जल में घोला जाता है तो ये विद्युत के सुचालक के रूप में कार्य करने लगते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, KCl है, CuSO4 है। ये आयनिक ठोस के उदाहरण है। तीसरे प्रकार का ठोस होता है धात्विक ठोस, धात्विक मेटेलिक सॉलिड्स। ये धातु धनायनों का व्यवस्थित समूह होता है, जो कि चारों ओर से संलग्नित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इन्हीं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ये आघात वर्धनीयता का गुण रखते हैं। आघात वर्धनीयता मतलब इनको पीट करके चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, और ये तन्य होते हैं। तन्य, इनको खींच करके इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है,
ये धात्विक ठोस के उदाहरण है। चौथे प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोसों में जो अवयवी कण हैं वे परमाणु होते हैं और ये प्रबल और दिशात्मक सहसंयोजक बंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये अत्यधिक कठोर प्रकृति के होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है किंतु ये गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं, जैसे हीरा तथा ग्रेफाइट है। ये सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है।